नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर हाईवे पर बाइक से मवेशी टकराने से एक की मौत। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीती रविवार की रात हाईवे पर अचानक मवेशी आने की वजह से एक बाइक मवेशी से टकरा गई। इससे रास्ते से लिफ्ट लेकर बाइक द्वारा श्योपुर आ रहे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्षीय बालक सहित 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में हुई इस मौत को लेकर किसी ने अफवाह फैला दी कि कोई बोरे में लाश फेंक कर चला गया है। इस पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी विकास पाठक से लेकर कोतवाली पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गए। पड़ताल के बाद हादसे में युवक की मौत होने की बात सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मामला श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर कलमी ककरधा गांव के बीच हाईवे का है। आइए जानते हैं आरएस गौड़ जिला अस्पताल चौकी प्रभारी ने क्या बताया। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद की रिपोर्ट। आया था और डेड बॉडी छोड़ के वो चला गया। डॉक्टर ने मुझे फोन किया, कैसे ऐसे बात कर, मैंने सूचना की कंट्रोल ने बताया सिटी कोतवाली को। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, किसकी मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? एक बच्चा है, एक और है साथ में। 2 लोग घायल हैं? 2 घायल हैं। और मौत कितने लोगों की होगी? एक की। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये हुआ कलमी और वो खाली तलाई के बीच। किसी गाड़ी ने टक्कर मारी? गाय का बता रहे हैं ये लोग, गाय से हुआ है।